विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडलसेरा में मातृ दिवस के मौके पर बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बागेश्वर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुलिका पाठक, दिव्यांग खिलाड़ी मोहिनी कोरंगा तथा प्रधानाचार्य एएस तोपाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास में उसके परिवार तथा माताओं का अहम योगदान होता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य एएस तोपाल ने विद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि विद्यालय ने इस बार की बोर्ड परीक्षा में रिकॉर्ड कायम किया है। सर्वाधिक 11 बच्चों ने वरीयता सूची में अपना नाम दर्ज किया है। बच्चों तथा अभिभावकों ने भी स्कूल प्रबंधन व संचालन की सराहना की। बागेश्वर का विवेकानंद विद्या मंदिर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर अभिभावकों तथा बच्चों का विश्वास हासिल कर रहा है। मेरा नाम ज्योति जोशी और मैं विवेकानंद विद्या मंदिर मंडलसेरा बागेश्वर में पढ़ती हूँ। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर कमला नेहरू सम्मान समारोह हमारे विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसपे हमारे जो विद्यालय के सभी मेघावी छात्र छात्राएं थी उनको उनकी माताओं के साथ जो है सम्मानित किया गया। इन सभी का जो श्रेय है वो हमारे विद्यालय को जाता है, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई के क्षेत्र में जो हमारा विद्यालय है वो हमेशा ही अव्वल रहा है। आप देख सकते हैं पिछले तीन विगत वर्षों से ही हमारे विद्यालय में लगातार 11 बच्चे जो है मेरिट में आ रहे हैं। और केवल यहाँ पढ़ाई नहीं होती, अनुशासन के क्षेत्र में हमारा जो बागेश्वर में सबसे अच्छा विद्यालय जो है मुझे विवेकानंद ही लगता है। और केवल पढ़ाई नहीं, यहाँ खेलकूद के क्षेत्र में भी इंटरनेशनल पर हमारे टैकांडो प्लेयर्स भी जाते रहते हैं और यहाँ पर अदर करिकुलम एक्टिविटीज भी जो है परफॉर्म की जाती है हमारे विद्यालय में। अच्छा लग रहा है और इसमें बेटे की मेहनत तो है, साथ में पूरे स्कूल की को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे और शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार हमारे बच्चे सीख रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। आपकी बेटी का नाम बताइए, कौन सी क्लास में उसने कितने परसेंट ला सकती है? मेरे बेटे का नाम हर्षवर्धन लोबियाल है और हाई स्कूल में उसने 86 अंक प्राप्त किए। अभी इंटर में इसी विद्यालय में पढ़ रहा है। मेरी बेटी विवेकानंद विद्या मंदिर मंडलसेरा में निकिता पंत हाई स्कूल में उन्होंने 84% गेन किए हैं यहाँ पे, तो इसका श्रेय मैं विद्यालय परिवार को देना चाहती हूँ और संपूर्ण अध्यापक वर्ग को देना चाहती हूँ। हमारा तो प्रयास रहता ही है, लेकिन जो विद्यालय परिवार उनको निखार के बाहर लेके आता है उनके टैलेंट को, तो इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। निकिता ने कितने परसेंट गेन किए? सर 84% गेन किया है उन्होंने। आनंद हर्ष का विषय है, बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। यहाँ के जो प्रधानाचार्य महोदय हैं, समस्त विद्यालय परिवार और माता उनकी माता जी और यहाँ सभी स्टाफ और आप लोगों का पूरे समाज का सहयोग, ये सब मिलकर जो है ये श्रेय जो है आज उन सभी को जाता है। विशेषकर माता जी को, माता जी ने हमेशा जो है बच्चों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही और हमेशा जो है प्रेरित करती रही, पढ़ने पढ़ाने के उसमें बातचीत करती रही और विद्यालय में अभिभावकों द्वारा बच्चों का संपर्क रहा और बच्चों ने भी जो है विद्यालय में अध्यापकों का पूरे विद्यालय परिवार का प्रधानाचार्य का कहना हमेशा जो भी उनका आदेश रहा अनुसरण किया और घर में भी उस चीज़ पर वार्ता करते रहे और समय समय पर हम भी विद्यालय आते रहे और समस्त जो है अध्यापकों का यहाँ पर हमारा संपर्क रहा, जिसकी बदौलत जो है आज हमें ये खुशी देखने को मिली और खुशी का बड़ा आनंद हमें महसूस हो रहा है। समस्त हमारे रिलेशन समाज आप लोगों का आशीर्वाद रहा और साथ ही साथ जो है इंटरमीडिएट में गौरव कांडपाल वर्तमान में बीएससी अल्मोड़ा बीएससी कर रहे हैं, जिनने जो है 92% यहाँ से हासिल की
और वर्तमान में अभी हाई स्कूल में मोहित कांडपाल जिन्होंने जो है 96% प्राप्त करते हुए प्रदेश में 18वां स्थान और जिले में 3रा स्थान प्राप्त किया। ये सब इसका जो श्रेय जाता है पूरे विद्यालय परिवार को, विशेषकर प्रधानाचार्य जो यहाँ के उनका जो आदेश जो उनका जो नेतृत्व यहाँ पर रहा है उस पर जाता है, और साथ ही साथ इन सभी का पूरे समाज का पूरा पूर्ण रूप से सहयोग जो है इन लोगों को मैं यहाँ पर जो है सहयोग उनको इन्हीं की बदौलत जो है हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं, और आशीर्वाद अब सभी समाज का विद्यालय का आशीर्वाद जो है आगे बच्चे बराबर जो है संपर्क में रहेंगे आगे जो है वो भी और जो है आगे तरक्की वो करते रहेंगे। धन्यवाद सर, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, उत्साहित हूँ। मैं यहाँ गुरु जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया, इतना बड़ा निमंत्रण दिया। मैं पूरा विवेकानंद स्कूल परिवार का धन्यवाद करती हूँ और उनकी माताओं को भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने जो है उनके बच्चों ने एक अच्छा माने प्रथम पाठशाला होती है उनकी माँ ने अपने बच्चों को इतना अच्छा किया कि आज पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। पुरस्कार प्राप्त करने का एक आगे जीवन बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं उन माताओं को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे विद्यालय के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 126 छात्र छात्राओं की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये गर्व का विषय है कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश में विवेकानंद बागेश्वर के इतने अधिक संख्या में छात्र छात्राओं की माताओं को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, और विद्यालय निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिससे इस बार भी 11 छात्र छात्राओं ने पूरे प्रदेश में मेरिट में अपना प्रथम स्थान रहा है। तो मैं यह सब अपने जो मेरे कर्मठ आचार्य हैं उनको इसका श्रेय देता हूं, हमारे अभिभावकों को, और हमारी जो टीम है वो अपनी समर्पण भाव से इन छात्र छात्राओं की को पढ़ाते हैं। एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं इन माताओं को, और आशा अपेक्षा करता हूं कि विवेकानंद विद्या मंदिर इसी प्रकार से प्रदेश स्तर पर अपने इस विद्यालय के नाम को रोशन करे। बच्चों को जो उपलब्धि मिली है कमला नेहरू पुरस्कार उनकी माताओं को दिया गया है, ये सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है, और माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैं इसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं गुरु भी हूँ, और हमारे बच्चे जब स्टूडेंट्स स्कूलों में अच्छा करते हैं तो हम अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। छात्र छात्राओं को भी मनोबल मिलता है और उनके माताओं को भी मनोबल मिलता है कि आज हमारी ये सफल हुई है, सारे परिश्रम का फल हमें मिला है। तो परिश्रम का मीठा फल जब मिलता है और उसको चखने का अवसर मिलता है तो हम अपने को बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, और मैं मेरे हाथों ये पुरस्कार दिए गए हैं तो निश्चय ही मेरे लिए ये गर्व का पल है। मैं यहाँ के विवेकानंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर को श्री तोपाल जी को बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि ये अवसर मुझे प्रदान किया है, और साथ ही उनकी पूरी टीम को और यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि भविष्य में भी वो इसी तरह अपने माता का सम्मान बढ़ाते रहें और इस पुरस्कार को प्राप्त करते रहें। CGN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।